Good morning, all students of class 5. Due to epidemic condition, I have to contact on YouTube for teaching. First chapter for class 5 in English, The Cranking Macaw. The cranky macaw. Many different animals, but even reptiles are kept as pets. बहुत से जानवर, चिड़िया और यहाँ तक कि सरसृप वर्ग भी पालतू के रूप में रखा जाता है. Dogs are popular pets as they are friendly and are good company, especially for children. Dogs are popular pets. कुत्ते लोकप्रिय पालतू जानवर होते हैं. As they are friendly, क्योंकि वे मित्रवत होते हैं और अच्छे साथी होते हैं, विशेषकर बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन, विशेषकर बच्चों के लिए. सम पीपुल हैव कैट्स एज पैट्स बिकॉज कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट. कुछ लोग बिल्ली को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं क्योंकि वे बहुत चंचल होते हैं. पैराकिट्स कैन बी ट्रेंड टू टॉक. पैराकिट्स कहा जाता है तोता को. तो तोता को प्रशिक्षित किया जा सकता है टू टॉक, बातचीत करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है. इन ओल्डन एज, प्राचीन काल में, सेलर्स एंड पायरेट्स हु स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन द सी यूज्ड टू कीप पैराकिट्स एज पैट्स. इन ओल्डन एज, प्राचीन दिनों में यानी प्राचीन काल में, नाविक और पायरेट्स कहते हैं नाव पर रहने वाले लोग. तो नाविक और नाव पर रहने वाले लोग जो अधिकांश समय समुद्र में बिताते हैं, समुद्री यात्राओं पर बिताते हैं, वह पैराकिट्स का यानी तोते का पालतू के रूप में प्रयोग किया करते थे. दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए सेलर. और यह जो कहानी है क्रैंकी मकाऊ, यह एक नाविक की कहानी है और उसकी एक पालतू वर्ड्स है मकाऊ. मकाऊ का अर्थ भी तोता होता है, लाई के पैर, या उसी तोते के समान एक मकाऊ पक्षी है, उसकी एक कहानी है. अब आते हैं, कहानी शुरू होता है. ओल्ड सेलर जॉनी जैक लव्ड द सी. बूढ़ा नाविक जॉनी जैक समुद्र से प्यार करता था, यानी समुद्र में रहना उसको ज़्यादा पसंद था. फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12 ही स्टार्टेड, यानी 12 साल की उम्र से ही उसने शुरू किया सेलिंग, यानी नाव चलाना शुरू कर दिया. सिंस देन इट हैज बीन 66 ईयर्स. चूँकि अब वह कितना हो गया, अब 66 साल का हो चुका है. ही हैज सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, वह संसार के अनेकों देशों का भ्रमण किया है. ही हैज सीन मैनी कंट्री, वह बहुत सारे देशों को देखा है. बट द सी वाज हिज होम, लेकिन उसका घर समुद्र ही था. ही डिड नॉट लाइक टू लिव ऑन द लैंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक वह पृथ्वी पर रहना पसंद नहीं करता. कौन रहना नहीं पसंद करता था? वह सेलर जॉनी जैक. He had a small cabin on an island of Guyana
where he chose to stay instead with his family. He had a small cabin, उसका छोटा सा घर था, गुना के एक द्वीप पर उसका एक छोटा सा घर था, where he chose to stay, जहाँ वो अपने फैमिली के बदले वहीं रहना पसंद करता था, which lived on a nearby island, उसका फैमिली उसी आइलैंड के नज़दीक रहता था। जॉनी जाए हैज हैड ओनली वन कॉन्स्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर, वर्षों से उसका एक ही अस्थाई मित्र था। कौन था भाई? द क्रेजी कुट एंड ही वाई नन, क्रेजी कुट के नाम से जाना जाता था। ऐसे कुट का अर्थ होता है पंडुबी, क्रेजी का अर्थ होता है उत्साहित, यानी उत्साहित पंडुबी के रूप से के नाम से वह जाना जाता था। स्पोक लाइक ए मैन, वह जो मकाऊ था, वह जो पक्षी था, वह एक आदमी के समान बोलता था, बट विथ ए वेरी ऑड श्रिंकिंग टोन, वह बहुत ही भद्दा चीखने की आवाज़ के साथ वह बोला करता था। क्रेजी कुट एंड जॉनी जैक, या क्रेजी कुट, उससे पक्षी के संबोधन के लिए अवार्ड आया है। क्रेजी कुट एंड जॉनी जय बोथ लव द सी, क्रेजी कुट और जॉनी जय दोनों समुद्र में रहना पसंद करते थे, एंड लाइक ऑल सेलर्स इंजॉय देयर ओन कंपनी, उन्हीं के समान सभी जो नाविक क्रू जो था, क्रू कहते हैं नाविकों का एक दल जो था, वह सभी अपने साथियों के साथ आनंद लेते थे। मीटिंग पीपुल ऑलवेज मेड हिम क्रैंकी, लोगों का मिलना जुलना जो हमेशा होता था, इस मकाऊ को क्रैंकी बना दिया था, क्रैंकी कहते हैं सन की बदमिजाज बना दिया था। बट व्हाट मेड क्रेजी कुट रियली स्पेशल वाज दैट ही वाज ए मकाऊ, उससे पंडुबी को एक विशेष बनाया था, वह क्या था, वह एक मकाऊ था। मकाऊ कहते एक तोता था, एक मकाऊ पैरट्स को कहते हैं, ए काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरट, एक साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का एक तोता का एक प्रकार है, वह उसी को मकाऊ कहते हैं। वह मकाऊ के चलते वह जो पंडुबी था क्रेजी कुट, वह स्पेशल हो गया था। हिज प्लूमेज एंड टेल फीदर वेयर स्कारलेट इन कलर, उसके जो पंख थे, उसके जो पंख थे और पूंछ जो थे, वह स्कारलेट, स्कारलेट कहते हैं कि चमकीले लाल रंग के थे, एंड द रंप ऑफ लाइट ब्लू, और उसका पिछला भाग हल्के नीले रंग का था, एंड अपर विंग्स ऑफ येलो, और ऊपर का जो भाग था, जहाँ विंग वाला जो भाग था, यानी डायना वाला भाग, वह येलो था। मकाऊ आर वेरी इंटेलिजेंट, मकाऊ बहुत होशियार था, तेज था, कैन बी टॉट टू स्पीक, उसको बोलने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। क्रेजी कुट हैड ए बैड टेम्पर, क्रेजी कुट यानी यह जो मकाऊ था, वह एक तुनक मिजाजी था। When irritated, he would shout, जब वह तंग होता था तो वह जोर जोर से चिल्लाता था, almost like human, जिस तरह मानव चिल्लाते हैं, मनुष्य चिल्लाता है, वैसे वह चिल्लाता था। He loved watching old movie with Johnny Jay, वह Johnny Jay के साथ सिनेमा देखना, मूवी देखना पसंद करता था। हैंड कुल इमिटेट साउंड ऑफ गन फायर, और गोली की आवाज़, बंदूक से जो गोली की आवाज़ की तरह वह आवाज़ निकालने का नकल करता था। बस आज इतना है।